हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब घर पे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे एंड बिल्कुल उसी के लिए और मेरी वीडियोस आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर रही होंगी। और उसी के लिए मैं आपको अगला टॉपिक लेके आई हूँ। पश्चिम प्रागैतिहासिक कला हम स्टार्ट कर चुके थे, उसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन। अगर आप नए भी हों तो आप लोग पहले की वीडियोस देखें तो आपको समझने में इजी होगा। तो पश्चिम प्रागैतिहासिक कला की हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे और अब हम लोगों को जो टॉपिक लेना है वो है गुफा चित्रण। उस समय की गुफा चित्रण जो है वो हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आई नो कि हमने जो पहले प्रीवियस टॉपिक लिया वो प्रागैतिहासिक काल का इंट्रोडक्शन था, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो ये जो पार्ट है इसमें ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको बहुत 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 अच्छे से पढ़ लें और इसलिए उसको एक शॉर्ट हैंड के टाइप में जो इम्पोर्टेंट होता है वही लेके आने की कोशिश की है। तो आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो शायद आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये लर्न करने का पार्ट है एक तरह से। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा तो आपके क्वेश्चंस इजीली आप क्रैक कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि अगर आप लोग नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगे तो वो आप तक पहुँचें और आपकी हेल्प करें, बस यही उद्देश्य है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, यूरोप में जो है मुख्य तरह दो जगहों पे गुफा चित्रण मिले हैं, फ्रांस में और स्पेन में। हम लोग इन्हीं की गुफाएं पढ़ेंगे। तो जो स्पेन में है वो चार गुफा देखिए, अल्टामिरा, पिंडल, कोवालनास, एल कैस्टिलो। मैं ये नहीं कहती कि यही गुफाएं हैं, और भी हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो मेन गुफाएँ हैं वो यही गुफाएँ हैं, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। और फ्रांस में जो है वो लेस्कॉक्स, नियोक्स, पॉन्डेगॉम, लेस कॉम्बरेलिस, ट्रॉइसफ्रस, मोंटेस्पैन, गार्गस, पेचमेरले, कैपलैंक और लॉसर। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि हमें इतनी सारी गुफा पढ़नी है, किसी का मैटर बहुत ज़्यादा है तो किसी का मैटर बहुत कम भी है, लेकिन हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। तो हम देखते हैं अपनी फर्स्ट गुफा। देखिए अल्टामिरा की गुफा, देखिए इसमें ना मैंने आपको एक ऐसा टेबल टाइप इसलिए बनाया है ताकि आपको लर्न करने में इजी हो जाए। मुझे नहीं लगता आज के टॉपिक में मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको लर्न ही करना रहता है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो देखते हैं, देखिए अल्टामिरा की गुफा का लोकेशन कहाँ है। देखिए मोस्टली सारी गुफा कैंटाब्रिया रीजन की आसपास ही है, तो ये भी डेलमार्क, कैंटाब्रिया रीजन, सेंटिलाना के पास जो कैंटाब्रिया रीजन होता है वहाँ पे ये लोकेट करती है स्पेन में। इसका समय 33,000 ईसा पूर्व का है। मटेरियल यूज, मतलब देखिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने लिखा है इसमें, कोयला, गेरू और हेमाटाइट। मटेरियल यूज से ये मतलब है कि यहाँ पे जो पेंटिंग बनी है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। तो नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे वो लोग, और इसलिए कोयला, गेरू और हेमाटाइट जैसी चीज़ें उनने पेंटिंग बनाने के लिए यूज़ करी है गीली दीवारों पर। ठीक है, इसकी जो पेंटिंग्स है वो कैसी हैं, वो पॉलीक्रोम पेंटिंग है, मतलब अलग अलग रंग बिरंगी पेंटिंग्स है, सिर्फ लाइन्स नहीं हैं, और चारकोल से पेंटिंग, मतलब कोयला से पेंटिंग किया गया है। इसकी साइज़ 1,000 मीटर लॉन्ग है, और इसके अंदर देखिए कक्ष बने हैं, अलग अलग कक्ष बने हैं, वो भी दो से 6 मीटर लॉन्ग, इतने बड़े बड़े कक्ष यहाँ पे हैं। अब एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज कैसे हुई। तो देखिए इसकी खोज जो है एक किसान थे वहीं के, मार्सिलिनो सांस डे सौटोला, उनकी बेटी, 8 वर्ष की बेटी थी मैरिया, उनने जो है 1879 में उसको पहली बार देखा था। ठीक है, अब इसका देखिए इसके विषय वस्तु देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो जीव जंतु हैं उनके पेंटिंग मिले हैं, कैसे भेसा, घोड़ा, बड़ी हिरनी, जंगली सुअर, ये जो है ऐसे काम यहाँ पे मिले हैं। और दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पे मनुष्य के हैंड प्रिंट्स, मनुष्य के हाथ के छापे भी मिले हैं, आप नीचे देख सकते हैं।
अब इसकी विशेषता देखिए, अल्टामिरा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल्ड में बताने की, मतलब जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की है। तो आगे देखते हैं, चित्र छत पर बने हैं एवं काली रेखाओं के अतिरिक्त प्राकृतिक रंग भरे हैं, जैसे चूने से सफ़ेद, पीली मिट्टी से पीला, गेरू से लाल, काली से काला। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे कलरफुल पेंटिंग्स है, कोयले मतलब सिर्फ लाइन से नहीं है, तो काली रेखाओं के अतिरिक्त उसमें कलर भी फिल किए। नीचे आप देख सकते हैं पेंटिंग किस तरह से, मतलब कोयले से लाइंस बना के और उसमें गेरू और हेमाटाइट और जो भी चूना है यूज़ किया है। आगे देखें, जो रैखिक चित्र बने हैं एवं रेखाएं विषम और टूटी फूटी। देखिए, मोस्टली प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि वो लोग कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे, तो जो भी है उस उनकी जो लाइंस वगैरह है वो टूटी फूटी होती थी और अनइवन रहती थी। आगे देखते हैं, कलाकारों के हाथ की छवियां प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे कैसे पेंटिंग के साथ साथ उनकी हाथ की छवियां भी प्राप्त हुई है। ऐसा भी हो सकता होगा कि वो लोग वहाँ हाथ रखते होंगे तो वो ऐसा हैंड प्रिंट्स मिल जाता हो, और वो खुद भी अपने मन के लिए करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस तरह का काम यहाँ पे मिला है। चित्रों को उकेरा एवं खुरेशा गया है गठनशीलता और उभार के लिए। देखिए, वो लोग उस समय भी एनग्रेव करते थे, मतलब कुछ भी लकड़ी पत्थर, जिससे वो लोग वो अपने चित्र में उभार लाने के लिए उसको खुरेचते और उकेरते थे। ठीक है, चित्र गीली सतह पर बने हैं, मतलब पहले ही बता दिया है कि गीली सतह पे ये लोग पेंट करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा शिकारी चित्र मिले हैं, क्योंकि हाँ, उनका रहना खाना पीना सब शिकारी था, तो मतलब वो लोग मोस्टली उनका काम ही यही था, तो इसलिए वही चीज़ जो है सब्जेक्ट में आई है, इसलिए मनुष्य और जानवर यहाँ पे ऐसे मिले हैं। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल की सिस्टाइन चैपल, जो रेनेसेंस का काम है, माइकल एंजेलियो ने सिस्टाइन चैपल किया है, वही सिस्टाइन चैपल प्री हिस्टोरिक टाइम का किसे कहा जाता है? अल्टामीरा की गुफा को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मेन काम, तो आक्रमणकर्ता महीष, इस तरह का महीष जो है बायसन कह होता है, वो आक्रमण करते हुए उस तरह का, मतलब बिल्कुल एनर्जी में ऐसा दिखा है, गेरू और कोयले से देखिए बनाया गया है। ये ओरिजिनल फोटो नहीं है, ये कंप्यूटराइज्ड है, ओरिजिनल आपको क्लियर दिखता नहीं इसलिए लिया नहीं गया है। और दूसरा, हिरण का शिकार, ये मैंने आपको पैलियोलिथिक नियोलिथिक पढ़ाया था तब भी दिखाया था कि हिरण का शिकार करते हुए ऐसे मनुष्य ये भी यहाँ पे प्राप्त हुए। ठीक है, अगली गुफा देखते हैं की, ये पिंडल गुफा है, इसका लोकेशन कहाँ है? ये पिमांगो ऑस्ट्रियस, स्पेन में, स्पेन में ऑस्ट्रियस क्षेत्र में जो पिमांगो है वहाँ पे पिंडल है। उसकी डिस्कवरी किसने? क्वा कैस्टिलो ने की थी 1930 में। टाइम इसका लेटर मैकडेलियन का टाइम है, 17,000 वर्ष पूर्व का। और इसकी साइज 12,000 फीट लंबी है, जैसे अल्टामिरा 10,000 थी वैसे ये 12,000 फीट लंबी है। देखिए, इसका मेन क्वेश्चन इससे बनता है कि यहाँ पे जो ये हाथी के समान, हाथी का चित्र है लेकिन वो पान की आकृति में, कि हमें दिखेगा कैसे पान की आकृति जैसा बना गया, और एक अनइवन रेड डॉट यहाँ पे है, रेड स्पॉट है। तो ये जो इस तरह का चित्र है ये पिंडल गुफा में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, कोवालानास की गुफा। ये गुफा जो है रेमेल्स गिवाजा के पास, जो रेमेल्स है कैंटाब्रिया क्षेत्र में ही है, ये भी वहाँ पे मिला है। इसकी डिस्कवरी 1930 में हुई थी। देखिए दोस्तों, मुझे जिस गुफा के बारे में जितना, मुझे जहाँ से मैंने पढ़ा है बुक्स में से, मुझे जितना प्राप्त हो सका है मैंने उतना लेके आई हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि सबका मुझे सब कुछ पता होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं उतना लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, और अनक्लियर पेंटिंग ऑफ टू डियर्स एंड ग्रुप ऑफ एन एंटेलॉप क्रिएटेड बाय बंडल ऑफ कॉटन, मतलब दो हिरणों का और मृग का समूह यहाँ पे मिला है, इस तरह का काम यहाँ पेंटिंग मिली है, और वो रुई की फुरेरी या पोटली से बनाया गया है। देखिए, इसका फोटो मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है नेट से, तो इसलिए मैं नहीं दे पाई हूँ, लेकिन इस तरह का आप समझेंगे कि यहाँ का सब्जेक्ट मैटर और टेक्निक ये थी, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एल कैस्टिलो गुफा, ये चौथी गुफा आ गई है, स्पेन की ही मेन गुफा है ये। ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ है? ये पुएंते वीएसगो कैंटाब्रिया स्पेन में है ना। देखिए, चारों ही गुफा उसी क्षेत्र में है। इसका उत्खनन हुआ था 1909 से 1914 में।
ठीक है। मानव के पदचिन्ह हैंड प्रिंट्स यहाँ भी प्राप्त हुए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। और साथ ही साथ पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, विशेषतः अश्व, बकरा, हिरण और हिरनी के, ये भी इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट में। मेनली पिक्चर्स ऑफ है ना, ये तो हो गया। इसका कलर्स क्या है, कलर देखिए, ये भी कोयला और गेरू, रेड एंड ब्लैक की पेंटिंग ही दिख रही है, तो ये कोयला और गेरू से बनी गई है। और जो एल कैस्टिलो है वो सबसे पुरानी गुफा चित्रण में से एक है, मतलब बहुत पुरानी है ये भी इस तरह की गुफा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने स्पेन की गुफा कंप्लीट कर लिया है और अब अपने नेक्स्ट ट्रेंड में फ्रांस की गुफा समझाएंगे। फ्रांस की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट गुफा है, मतलब बहुत सारा इम्पॉर्टेंट पार्ट उसी में कवर है, तो आप लोग जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और उसका वेट कीजिए कि कब आएगी फ्रांस की गुफा। जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, एंड तब तक के लिए मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और कुछ सजेशन हो तो भी मोस्ट वेलकम। एंड आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह का काम अगर आप लोग भी अपने साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी एग्जाम्स ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।